दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट से कुछ गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सेमेस्टर परीक्षा में आमतौर से स्टूडेंट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आप सभी स्टूडेंट के लिए यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से अटेंड करें, ठीक है। तो परीक्षा में कॉपी कैसे लिखते हैं ये सारी चीज़ें तो बहुत अलग बात है, लेकिन आज हम कुछ छोटी छोटी गलतियों के बारे में बात करना चाहते हैं जिस वजह से आप सभी स्टूडेंट का बैक लग जाता है, ठीक है। तो वो गलती जो है कौन कौन सी गलती होती है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं ताकि जो है उनकी बैक लग जाती है, ठीक है। सबसे पहली गलती ये होती है दोस्तों कि आप सभी स्टूडेंट जो है ये पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा को आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा समझने की भूल मत कर दीजिएगा। जैसे कि जो भी काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आए हुए हैं वो 10th या 12th पढ़ के आए हुए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो जितने सारे स्टूडेंट 10th या 12th की उनकी कुछ गलत आदतों की लत लगी रहती है, जैसे नकल करने की लत उनकी लगी रहती है, तो मैं साफ तौर पे बता देता हूँ कि जो सेमेस्टर परीक्षा आपकी होती है ये सीसीटीवी की निगरानी में होती है। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें से अगर किसी स्टूडेंट को गलती से कोई अगर पकड़ा जाता है, चाहे उसकी गलती हो या फिर उसकी गलती ना हो, यदि कोई स्टूडेंट इस मामले में पकड़ा जाता है दोस्तों, तो बिना किसी झिझक के वह दोस्तों आप परीक्षा से वहीं पे तत्काल बाहर हो जाता है। और मैं साफ तौर पे आपसे कह देना चाहता हूं कि परीक्षा से आउट होने का मतलब होता है कि उस परीक्षा में उसका एब्सेंट हो जाता है वो, और वो पेपर नहीं दे पाता, ठीक है। तो नंबर 1 चीज़ें यही है कि आप ये चीज़ें को जल्दी जरूर से जरूर देखिए कि कोई आपके में से देख तो नहीं रहा है, और आप भी किसी को दिखाने का प्रयास ना करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है आपकी कि आप लोगों को पॉलिटेक्निक की कॉपी भी जब भी लिखनी है स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक की कॉपी आपको जब भी लिखनी है तो आपको कंप्लीट आंसर लिखना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट आंसर लिखना है। कोई भी स्टूडेंट जो है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको बहुत अच्छा आंसर आता है, वो कम वर्ड में आंसर लिखते हैं। तो चाहे आपको कितना भी अच्छा आंसर क्यों नहीं आ रहा हो, आपको जो होता है अपना कंप्लीट आंसर लिखना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, यदि आप कंप्लीट आंसर लिखते हैं दोस्तों, तब जाकर के आप लोग उसमें सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। आपकी यदि 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो यह गलती बिल्कुल भी कोई स्टूडेंट नहीं करेगा कि आधा पेज में या फिर मैक्सिमम 1 पेज में वह आंसर को लिख करके चला आए। यदि जो स्टूडेंट 5 नंबर वाले क्वेश्चन में यह गलती कर दिया कि एक ही पेज में उसका पूरा का पूरा आंसर हो गया, चाहे वो आंसर उसका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। जाहिर सी बात है 1 या 2 नंबर ही 5 में उसको मिलेगा। तो मैं सिंपली बता देना चाहता हूं आपको, यदि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप कोशिश करिए कि उसमें किस तरीके से हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा चीजों को हम रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। अपने आंसर की टेक्निक को और जबरदस्त बनाइए, आंसर लिखने का प्रयास करिए। कॉपी पे यदि आप आंसर लिखने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे तो आपको जो हैबिट होगा अच्छे आंसर लिखने की, ठीक है। तो आप लोग जो है एक अच्छे तरीके से आंसर लिखने का प्रयास करिए। यदि केमिस्ट्री है तो उसमें जो है आप लोग केमिकल रिएक्शन देने का प्रयास करिए। यदि आपका फिजिक्स है तो उसमें जो है आप लोग उदाहरण के द्वारा उस चीजों को समझाइए, और कोशिश करिए कि आप किस तरीके से एक ना एक डायग्राम आप एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपको 1 डायग्राम जो है एडजस्ट करना चाहिए अपने सेमेस्टर परीक्षा में। हर क्वेश्चन में कोशिश करिएगा कि एक डायग्राम हम किसी तरीके से एडजस्ट कर दे, उसमें हम चाहे अपने आप से कुछ उदाहरण की सहायता से कुछ समझा ले, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। यदि आप इतना लिखते हैं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, यदि आप इतना नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर जाहिर सी बातें कट जाते हैं, ठीक है। हम लोग भी ऐसा होता था दोस्तों, कई बार हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है कि क्या होता था दोस्तों कि सिंपली हम लोग आंसर को लिख करके चले आते थे और हम लोग को पता चलता था कि भाई हम लोग को नंबर नहीं मिला। क्यों नंबर नहीं मिला? क्योंकि हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उदाहरण के सहित हम लोगों ने नहीं समझाया है, जबकि हमने डेफिनेशन वगैरह को सारी चीजों को सही में लिखा था, ठीक है। लेकिन आप इन छोटी छोटी गलतियों को नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप चीजों को उदाहरण सहित कितने अच्छे से समझा लेते हैं, कोशिश करिएगा कि आप डायग्राम की सहायता से चीजों को कितने अच्छे से समझा लेते हैं। तो आंसर राइटिंग पे ज्यादा से ज्यादा आप सभी स्टूडेंट फोकस करिएगा, ठीक है। आंसर राइटिंग पे सभी स्टूडेंट अच्छे से अच्छे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को कोशिश करिएगा कवर करने की, और एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ स्टूडेंट ये होते हैं कि उनको यदि 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो वो 50 में सिर्फ 30 नंबर के क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करके चले आते हैं, और ओवरऑल उनका नंबर जो है कम हो जाता है। क्यों हो जाता है ओवरऑल नंबर कम? ओवरऑल नंबर दोस्तों इसलिए कम हो जाता है कि पहले दोस्तों ये देखा जाता है कि स्टूडेंट ने अटेम्प्ट कितना किया है। यदि आप अटेम्प्ट ही 30 किए हैं तो आपके 15 नंबर
नंबर ही आएंगे। तो इसलिए जो है, चाहे आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हो, या फिर आपको 20 नंबर के आ रहे हो, या आपके 45 नंबर के आ रहे हो, अटेम्प्ट आपको 100% करना है। ठीक है, अटेम्प्ट आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 100% अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो 100% जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक जो है आपका अच्छा नंबर नहीं आ सकता है। तो आप इन छोटी छोटी चीजों को कवर करके चलेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा तो उसका बेनिफिट दिखेगा और आपको पता चलेगा कि जी हाँ, मेरे 80% से ज्यादा आ गए। ठीक है, तो आपको जो है इन सारी चीजों को जरूर ध्यान देना है। ठीक है, इन सारी चीजों को जरूर ध्यान देना है। इन छोटी छोटी गलतियों को यदि आप कवर कर लेते हैं तो आपका नंबर बहुत अच्छा आ जाता है। जैसे कि आपको पता है कि 2.5 आवर ही आपको मिलते हैं सेमेस्टर परीक्षा में, तो इसलिए जो है कोशिश करिए, सैंपल पेपर सॉल्व करिए, मॉडल पेपर सॉल्व करिए, और कोशिश करिए कि 2.5 घंटे में ही आप चीजों को कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अच्छे से अच्छे तरीके से आप आंसर को कैसे लिख लेते हैं, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम होता है। इतने ही कम समय में आप सभी स्टूडेंट को तैयारी करनी रहती है। तो ये सारी चीजों को आप लोग कवर करिए, मॉडल पेपर सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, और आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पांडे जी टेक्निकल 2.0 चैनल पे, ठीक है, पांडे जी टेक्निकल 2.0 यदि आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे और उसके आप लोग कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में दोस्तों आप लोग यदि जाएंगे तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप लोगों को केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट वीडियो, फिजिक्स की इंपॉर्टेंट वीडियो, मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो बस सिंपली आपको क्या करना है, पांडे जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल, पांडे जी टेक्निकल 2.0 चैनल पे जाइए और अपना जो है जबरदस्त तैयारी कीजिए। मॉडल पेपर से लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक सब सब चीजें जो है हमने पांडे जी टेक्निकल 2.0 चैनल पे अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं आप तो पांडे जी टेक्निकल 2.0 आप टेलीग्राम में सर्च करिएगा और आप आसानी के साथ जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।